शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, क्योंकि इस समय शशांक सिंह का नाम पूरी दुनिया में छाया हुआ है। नहीं नहीं सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, फैंस का आशीर्वाद है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत थी जो मिला, थैंक यू सो मच उसके लिए। इस मोड पर आकर क्या याद आता है आपको बीते दिनों की बातें? नहीं सर, ये प्रोसेस था जो बहुत पहले चालू हुआ था, वो प्रोसेस आज भी वही चल रहा है, नो डाउट एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ मैं ग्राउंड पे, तो ऑब्वियसली स्कोर शीट में दिख रहा है, टीम जीत रही है, वो अच्छा लग रहा है। बट ये कि प्रोसेस हमेशा से पहले भी फॉलो कर रहा था, अभी भी फॉलो कर रहा हूँ और आगे भी वही चीज फॉलो करनी है, तो बेसिक्स वही रहते हैं। बस ये होता है कि थोड़ा सा मेंटली आप ज्यादा अच्छे जोन में होते हो, आपकी जब टीम जीतती है आप टीम को कंट्रीब्यूट कर पाते हो, तो एक अच्छे जोन में हूँ मैं मेंटली, तो वो एक अच्छी चीज है। वाह, तो मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए जिन्हें नहीं मालूम है, मैं जानना चाहता हूँ कि शशांक ने क्रिकेट से नाता कब जोड़ा और कैसे प्रेरित हुए या किससे प्रेरित हुए? सर तो ये बहुत पहले की बात है, जब पापा सिवनी है पोस्टेड थे मेरे, और वहां पे जब इंडिया श्रीलंका का एक वर्ल्ड कप मैच था 96 का, और इंडिया वो मैच हार गया था, तो उस दिन पापा ने मुझे, पापा का ड्रीम था हमेशा से ये कि मैं अच्छा एक लेवल खेलूँ, कंट्री के लिए खेलूँ, तो वो एक ड्रीम था। बट ऑब्वियसली विद टाइम जब पापा ने इतना हार्डवर्क किया मेरे पीछे, इतने लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे, तो फिर धीरे धीरे वो मेरा ड्रीम भी बना कि मुझे भी खेलना है कंट्री के लिए, मुझे भी अच्छा क्रिकेट खेलना है और अच्छा करना है स्पोर्ट्स में। तो बहुत पहले 96 में जब मैं 8-9 साल का था, तब से वो ड्रीम 5-6 साल का था, 8-9 भी नहीं 5-6 साल का था, तब से वो ड्रीम चालू हुआ। बट ऑब्वियसली जब मैं बॉम्बे पापा की पोस्टिंग हुई, वहां पर जाके थोड़ा सा और प्रोफेशनलिज्म बढ़ा मेरा, और वहां पर जाके मैंने सोचा कि नहीं, ये करियर लेना अच्छी बात है इस चीज को, और फिर चीजें चेंज हुई। कौन सा ऐसा मैच रहा जिसने शशांक सिंह को ये सोचने पर विवश कर दिया कि अब वे प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं? सर मैचेस मतलब जैसे जब पापा का बॉम्बे पोस्टिंग हुआ, तो वहां पे बॉम्बे में एक मुझे रियलिटी चेक मिला कि मैं क्रिकेट में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्योंकि अंडर 15-17 में मैं मध्य प्रदेश को खेला हूँ, तो ऑब्वियसली काफी अच्छा था, बट उस समय एमपीए क्रिकेट उतना ऊपर नहीं गया था जितना आज गया है। तो एज ग्रुप क्रिकेट में हम लोग को 3-4 मैचेस मिलते थे, और फिर हम लोग का साल भर सिर्फ क्लब के थोड़े मैचेस या प्रैक्टिस रहती थी। बट जब बॉम्बे गए हम लोग, तो मैंने रियलाइज किया, जब मैं सूर्य कुमार को देखा, मैंने एक सिद्धेश राठ को देखा, अभिषेक नायर को देखा, तो मुझे मालूम पड़ा कि कितना हार्डवर्क डालना पड़ेगा स्पोर्ट्स में, और फिर जाके शायद से मुझे कुछ सफलताएं मिले। तो वहां पे एक रियलिटी चेक मिला। फिर उसके बाद वहां पे मेरे कोच थे विद्या पराडकर जी, जो अब नहीं रहे हमारे बीच, बट उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया वहां पे, मैं पार्सिम खाना से खेला, कांगली खेला, तो वहां पे मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा अब इसमें मुझे क्या चेंजेस आने हैं अपने टेक्निक में, अपने क्रिकेट पे, और फिर वहां से चीजें चेंज होना चालू हुई। और शशांक, अब हम देख रहे हैं कि एक समय था जब चुनिंदा राज्यों के खिलाड़ी ही भारतीय क्रिकेट टीम में या कोई दूसरे टूर्नामेंट में शामिल होते थे, लेकिन अब हम चंद सालों में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने भी अपनी एक जगह बनाई है, चाहे वो लड़कियों की क्रिकेट टीम हो या लड़कों की क्रिकेट टीम हो, उनका पदार्पण हुआ है, तो ये कितना सुखद संकेत है मध्य प्रदेश के लिहाज से और क्रिकेट के लिहाज से? जी बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, 2 साल पहले मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती, तो मध्य प्रदेश का स्तर हमेशा साल बाय साल दर बाय दर ऊपर ही आ रहा है। जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इंदौर में एमपीसीए ने, वो काबिल तारीफ है। उनका जो क्लब स्ट्रक्चर है, उनका जो डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर है, वो काबिल तारीफ है, और इसीलिए प्लेयर्स उनके इतने अच्छे निकल रहे हैं। प्लेयर्स देखिए, वेंकटेश अय्यर देख लीजिए, रजत पाटीदार, आवेश खान, ऐसे मतलब ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये 3 तो आईपीएल में दिखते हैं हमें, बट ये लिस्ट काफी लंबी है, काफी सारे यंग टैलेंट भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा संकेत है ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी, कि हमारे स्टेट से प्लेयर्स आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और काफी अच्छा लगता है कि जब आपके फेलो पार्टनर अच्छा करते हैं, एक अच्छा कंपटीशन होता है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से खेलता हूँ, तो सेंट्रल जोन में जब हम मिलते हैं मैचेस में, तो काफी मजा आता है उनके अगेंस्ट में खेलने में, उनके साथ में खेलने में, तो काफी अच्छी चीज है हमारे स्टेट के लिए। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि आईपीएल ने पूरी दुनिया को एक अलग फॉर्मेट दिया है और T20 का एक अलग रोमांच पैदा किया है, मनोरंजन से भी जुड़ा है, तो आईपीएल से जब आपका नाता जुड़ रहा था, तो उस समय क्या आपने परफॉर्मेंस दी ताकि लोगों ने आपको अपनी टीम में शामिल किया? जी, जो हमारे सैयद मुश्ताक अली के मैचेस होते हैं, जो हमारे T20 होता है, इंटरस्टेट T20 होता है, हमारा व्हाइट बॉल 5 विजय 1000 जो 50 ओवर गेम होता है, लिस्ट बोलते हैं हम लोग उसको, तो ये सब नोटेबल परफॉर्मेंस होते हैं जहाँ पे हम लोग को अच्छा करना पड़ता है। और फिर साइड बाय साइड जो कॉपरेट टूर्नामेंट होते हैं, जैसे डीवाई पटेल T20 हो गया, तो वहाँ पे फ्रेंचाइजी की नजर रहती है कि उन्हें एक अच्छा डोमेस्टिक टैलेंट मिल जाए। तो लकीली ये साल मेरा मतलब मेरा 5-5 साल है एक्टिव फ्रेंचाइजी के साथ, तो मैं बॉम्बे को जब खेला था तो मेरा मुश्ताक अली के परफॉर्मेंस अच्छे थे, तो छत्तीसगढ़ में था तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया,
राजस्थान रॉयल्स में आया। फिर अभी ये साल मेरा काफी अच्छा गया लिस्टे और मुश्ताक अली, तो मुझे लकीली पंजाब किंग्स में चांस मिला। तो ऑब्वियसली जो हम लोग के डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं वो काफी मायने रखते हैं, और उसी से फिर आईपीएल फ्रेंचाइजीज अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए जगह बनाती है, तो ये टूर्नामेंट्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं। और शशांक, आपने जब सनराइजर हैदराबाद के साथ भी अपने मैचेस खेले हैं पहले 2022। जी 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 हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, और अब जब किंग्स इलेवन पंजाब में आप शामिल हुए तो ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? जी सारे से एक्सपीरियंस मतलब मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस था, क्योंकि वहाँ पे मैं मेरे मेंटोर ब्रायन लारा सर को मिला, बिकॉज ब्रायन लारा सर का बहुत बड़ा हाथ है मुझे एज अ बैट्समैन से शेप करने में, बिकॉज टेक्निकल पॉइंट्स पर हमने कम बात किया बट जो मेंटल सेटअप उन्होंने मेरा चेंज किया, आई मीन हम लोग कितने बार ऐसा होता कि घंटे घंटे पर हम लोग आपने क्रिकेट के एक्सपीरियंस की बात करते रहे, क्योंकि सबको मालूम है ब्रायन लारा सर एक लेजेंड है, उनकी उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बट जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एज अ क्रिकेटर एज अ बैट्समैन तो किसी भी यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया मेंटली कब कहाँ कैसे बॉलर को टारगेट करना है, कौन से विकेट पे कैसे खेलना है, तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि एट अ सर्टेन पॉइंट जब आप प्रोफेशनल लेवल खेलते हो तो टेक्निक से ज्यादा ये गेम मेंटल हो जाता है। तो ब्रायन लारा सर ने मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया, मेंटली बहुत स्टेबल बनाया, और लकीली मैं उसी की बदौलत ये परफॉर्मेंसेज जो आज हो रहे हैं मेरे थोड़े बहुत हो पा रहे हैं। और शशांक सिंह, अब वो नाम हो गया जब किंग्स इलेवन पंजाब का जब मैच होता है तो बच्चे बच्चों का इंतजार होता है कि कब शशांक सिंह जी बैटिंग करेंगे और कब उन्हें ताबड़तोड़ छक्कों और चौकों की बरसात देखने को मिलेगी। तो ये जो आपने अलग अपनी पहचान बना ली है और टीम के लिए आप जब मैदान में उतरते हैं तो एक माहौल अलग अलग ही बन जाता है, कैसा लगता है इस माहौल को आपने कैसे क्रिएट किया और कैसे ढाला है? काफी अच्छा लगता है, मतलब आपके जो जो वेल विशर्स हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, आपको जितना बैक करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मुझे कोई बोलता है कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। आई मीन एट अ पॉइंट टू एक्सपेक्टेशंस प्रेशर भी लाती है, बट ये एक प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको जब इतना लोग सपोर्ट करते हैं, आप पे बिलीव करते हैं, तो आपको वहां पर जाके अपना बेस्ट गेम देना है, और मेरे ख्याल से क्रिकेट उसी के पूरा अराउंड है। आई मीन हमें मालूम है इंडिया में क्रिकेट कितनी बड़ी चीज है, और जब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको इतना आपके वेल विशेस इतने सारे हैं, तो काफी खुशी मिलती है। आई मीन ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है कि मतलब लोग मुझे जान रहे हैं और लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आपको उस मामले में कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं, कितने लोगों से बात नहीं भी कर पाता हूँ बट वो मुझे इतना वेल विश करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है और गॉड ग्रेस बाय अच्छा ही है सब। और मेरा सीना उस समय गर्व से चौड़ा हो जाता है जब नवजोत सिंह सिद्धू आपकी तारीफ करते हैं, मोहम्मद कैफ आपकी तारीफ करते हैं, या फिर हरभजन सिंह बोलते हैं कि ये भोपाल का लड़का है जो अब छत्तीसगढ़ से खेल रहा है और आज आईपीएल में कमाल दिखा रहा है, तो ये आपका सीना कितना गर्व से चौड़ा होता है? जी काफी ऐसा लगता है, मतलब ये सब लेजेंड्स ऑफ द गेम है, सिद्धू पाजी, मजीपा, और जो भी कमेंट्री करते हैं आकाश सर, जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे मुझे कभी पर्सनल मैसेज आते हैं उनके, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने कभी सपने में भी सोचा था ये सब चीजें की होगी, बट ऑब्वियसली मुझे बिलीव था हमेशा अपने ऊपर कि मेरी फैमिली को हमेशा बिलीव था मेरे ऊपर कि मैं इधर स्टैंड करने के लायक हूँ, मैं यहाँ परफॉर्मेंस करने के लायक हूँ, अपनी जगह बनाने के लायक हूँ, और आज जब वो चीजें हो रही हैं तो काफी अच्छा लगता है, खुशी होती है, पर एट द सेम टाइम मुझे मालूम है कि ये स्पोर्ट्स है, अपना प्रोसेस नहीं भूलना है मुझे, ये प्रोसेस हमेशा लाइफ लॉन्ग फॉलो करना पड़ेगा जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वो चीज जरूरी है जानना हमेशा, हर अच्छा हो रहा है तो भी और बुरा हो रहा है तो भी प्रोसेस नहीं भूलना है वो, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना वो छोटा सा बबल है मेरा, छोटे से लोग हैं मेरे कि जिनके साथ मुझे रहना अच्छा लगता है या जिनके साथ मुझे बात करना पसंद है, कि वो कभी ना टूटे और उसी के इर्द गिर्द सब कुछ चलता रहे। सही कहा आपने। अच्छा शशांक, अब T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम फाइनलाइज हो रही है, क्या लगता है आपको कि आप का स्थान उसमें कहाँ होगा? थिंक सर T20 वर्ल्ड कप, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैंने जब मैं आईपीएल का पहला मैच खेला था मैं जीरो पे आउट हो गया था, तो भी मैंने आगे का नहीं सोचा था कि नेक्स्ट मैच में चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और T20 वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज है कि उसके बारे में भी हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि आपको परफॉर्मेंस करना है, आप कॉम्पिटिशन देखेंगे सब लोग, मतलब जो मेरे नंबर बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर में वो काफी बहुत टैलेंटेड है, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा काम है प्रोसेस को फॉलो करना, और ऑब्वियसली मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। अभी हमारा नेक्स्ट मैच जैसे चेन्नई के साथ है, तो मैं पूरा फोकस उस पर कर रहा हूँ, रात दिन एक चीज ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कि नेक्स्ट मैच में टीम को कैसे जिताऊं, तो मेरा फोकस उस पर है अभी फिलहाल। तो चंद रोज बचे हैं, आपको क्या लगता है कि अब किंग्स इलेवन पंजाब क्या कमाल करके दिखाएगी और किस प्रकार से चोटी पर पहुंचने के लिए प्रयासरत रहेगी?
बिल्कुल, मतलब पंजाब पिंग्स एक ऐसी टीम है जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया डोमेस्टिक टैलेंट को, और अभी जैसे हमारे मैचेस बचे हुए हैं तो हमारी एज अ टीम काफी कोशिश है कि हम इस टीम को ऊपर लेके जाएं, तो वो प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे हम। एक अच्छा वाइब है टीम के अंदर, तो वाइब हमेशा मेंटेन रहा, एक पॉजिटिव वाइब मेंटेन है टीम के अंदर। तो हमारा पूरा फोकस अभी इस टूर्नामेंट पे है कि हमें कैसे हम एज एन इंडिविजुअल्स साथ में आए और अपनी टीम को ऊपर लेके जाएं। तो प्रैक्टिस चालू है टीमों के बारे में, दूसरी टीमों के बारे में, अगेंस्ट टीमों के बारे में, उनके क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हम काफी अच्छे से रीड कर रहे हैं उसको, और होपफुली सब अच्छा होगा एज अ टीम। चलते चलते क्या कहना चाहते हैं क्रिकेट के शौकीनों से, और खासतौर से जो नए यंगस्टर्स हैं वो क्रिकेट में पदार्पण कर रहे हैं उनसे? जी, मैंने हमेशा एक ही चीज रियलाइज की है कि ये स्पोर्ट्स पे आपको ड्रीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप हमेशा ड्रीम करना, बिकॉज ड्रीम सही में सच होते हैं, और अपने ऊपर बिलीव रखना, बिकॉज ऐसे टाइम आएंगे जहां पे आप लड़खड़ा जाओगे, बट अपने ऊपर हमेशा बिलीव रखना। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हो तो जरूर मिलती है, तो वो दो चीज कभी मत छोड़ना। आप हमेशा सोचना, ड्रीम बड़ा करना, और अपने ऊपर हमेशा बिलीव रखना कि आप दुनिया के बेस्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो, फील्डर हो, आप जिस भी चीज में हो, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी भी किसी को अपने से ऊपर मत रखना। शशांक जी, इतनी बातचीत करने के लिए, इतना वक्त देने के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और कहेंगे कि आपका जो उन्नति का ग्राफ है क्रिकेट में वो लगातार बढ़ता जाए, और आप सबको अपने बैटिंग से, अपने खेल से रोमांचित करते रहें। हम यही शुभकामनाएं आपको देते हैं। थैंक यू संजीव, थैंक यू सो मच, आपने मुझसे इंटरव्यू किया, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जरूर आपसे मुलाकात होगी भोपाल आके। जरूर, बहुत जरूर मुलाकात करेंगे।